आईपीएल सीजन 2024 का मैच नंबर 64 14 मई को खेला गया, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को 19 रनों से हराया। एलएसजी भले ही ये मैच नहीं जीत सकी, लेकिन उनकी टीम का एक खिलाड़ी सुर्खियों में आ गया। 27 साल के इस युवा खिलाड़ी ने मैदान में ऐसा कमाल किया जिसके बाद स्टेडियम में उसी के नाम की गूंज सुनाई देने लगी। इस खिलाड़ी का नाम है अरशद खान, जिसने मैच में एक विस्फोटक पारी खेली, वहीं गेंदबाजी में भी अपना दमखम दिखाया। बता दें, ये अरशद खान का दूसरा आईपीएल सीजन है, लेकिन उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। हालांकि दिल्ली के खिलाफ मिले मौके का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। इस मैच में 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए लखनऊ सुपर जॉइंट्स के ऑलराउंडर अरशद खान ने अपने प्रदर्शन से फैंस को चौंका दिया। किसी को लगा नहीं था कि कम मैचों में दिखाई देने वाला ये खिलाड़ी इतना कमाल का प्रदर्शन कर जाएगा। अरशद खान अकेले ही मैदान में डटे रहे, हालांकि लखनऊ की टीम मैच हार गई, लेकिन अरशद ने अपनी स्पिरिट से करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। अरशद खान ने बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों में 3 चौके 5 छक्के ठोक दिए। 175 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 55 से ज्यादा रन ठोक दिए। वो आखिरी बॉल तक मैदान में डटे रहे। बात अलग थी कि लखनऊ जीत नहीं पाई। अब चलिए आपको बताते हैं कि सबका दिल जीतने वाले अरशद खान कौन है। बता दें कि मध्य प्रदेश के गोपालगंज के सिवनी तहसील में जन्मे अरशद खान की उम्र 27 साल है। वो ऑलराउंडर के तौर पर पहचान रखते हैं। अरशद बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। निचले क्रम पर विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ ही अरशद सीम बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस मैच में एक विकेट भी चटकाया। बता दें कि अरशद ने अपने पिता अशफाक के मार्गदर्शन में ही क्रिकेट की बारीकियां सीखी थी। वो सिवनी जिला क्रिकेट एसोसिएशन में कोच भी रह चुके हैं। यही नहीं, महज 14 साल की उम्र में उन्होंने मध्य प्रदेश की अंडर 16 टीम में जगह बना ली थी। अंडर 19, अंडर 23 टीमों में जगह बनाने के बाद अरशद ने सीके नायडू ट्रॉफी 2020 में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 400 रन ठोके और 36 विकेट चटकाए थे। वो टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर थे। इसके बाद उन्हें एमपी की सीनियर टीम में जगह मिल गई। यही नहीं, अरशद ने लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बाद उन्हें मुंबई इंडियंस की टीम ने 2022 की नीलामी में खरीदा, लेकिन वो चोट के कारण पूरा सीजन नहीं खेल पाए। खास बात यह है कि अरशद 2023 में मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। उन्होंने 6 मैचों में 5 विकेट तो चटकाए ही, लेकिन आईपीएल 2024 की नीलामी से पहले ही उन्हें फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दिया। इसके बाद लखनऊ ने उन्हें महज 20 लाख रुपए देकर अपना बना लिया। इस बार आईपीएल 2024 में लखनऊ ने उन्हें मौका दिया, जिसमें अरशद खान ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। इस मैच में उन्होंने 43 की औसत से 43 रन और 1 विकेट चटकाए।